मैम यहाँ पे ना कुछ आपके हार्डकोर फैंस हैं जो आपकी फिल्मों के आपके स्टाइल के इतने दीवाने हैं, तो उसी आज स्टाइल में बैठे हूँ मैं, उनको बुलाना चाहता हूँ। प्लीज आइए, आप जरा मंच पे आइए। नमस्ते जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अरे सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप किन का आपने स्टाइल कॉपी किया हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मधु चंद्रा हूँ। अच्छा जी। मैंने आशा जी का गेटअप किया है। अरे वाह, कमाल है। बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं आप जी। आपका? हाँ, मेरा नाम निशा है। अच्छा जी। और मैंने जो स्टाइल किया है वो भी आशा परीख जी का। अरे वाह। हेलो। हेलो जी मैम, रेखा मामतोरा। मैंने हेलन जी का स्टाइल किया है। अरे वाह। रिंगलेस जी पीछे। हेलो, ममता सा जी। ममता, मैंने वही दाजे का स्टाइल। वाह। मैं जयश्री पंचाल हूँ। मैंने वही दाजे का स्टाइल। So sweet. Ellen जी, पहले नंबर पे आपके हिसाब से कौन? तो ये नंबर एक। कितने जा रहा है? गुड्डू आजा, क्यों स्कूटर की चीखें निकलवा रहा है? ये मैम हमारे पड़ोसी हैं, बच्चा यादव, उनका बेटा है गुड्डू। अच्छा। पैरी पोना दाती जी। जी तेरा। पैरी पोना दाती जी। पैरी पोना दाती जी। गुड्डू, ये दादी दादी क्या होता है? दादी दादी वो होती है जब किसी माँ के बच्चे के घर बच्चा होता है और वो लेडी मिठाई का डब्बा लेके गली में मिठाई बांटती है और खुशी से कहती है कि आज मैं दादी बन गई, उसे दादी कहते हैं। ओए कलिंगड़। कलिंगड़। मैं दादी की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, ये तेरी दादियाँ कैसे हो गई? कप्पू अंकल, मैंने इन तीनों दादियों को ना अपने धन 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 से दादियां मान लिया हुआ है। अबे तन मन धन से मानना होता है। तन मन से आप मानो, मैंने धन धन से माना है। पता क्यों? क्योंकि तन मन से ना सी व्यू बंगले नहीं आते, धन धन से आते हैं। बेटा अभी उन्होंने तुझे अपना पोता माना नहीं है। कोई बात नहीं, ये फिल्मी लोग है ना, क्लाइमेक्स में मानते हैं। ये ना फिल्में देख देख के बिगड़ गया अर्चना जी। हाँ। अभी तेरे बाप को बोल के तेरी फिल्में देखनी बंद कराता हूँ। हाँ। फिल्में बंद करवा दोगे मतलब एक्टर लोग फिल्में नहीं बनाएंगे? हाँ। इधर प्रमोशन के लिए नहीं आएंगे। तेरा क्या होगा? डैडी के शोक कौन सुनेगा? डैडी घर बैठ जाएंगे और 5-6 बच्चे पैदा करेंगे। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन एक बात है कप्पू अंकल, वो इधर रेवान जी है ना, मैं उनके बेटे की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता हूँ। उनका कौन सा बेटा गाता है? ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान उनका बेटा नहीं है, वो अलग है। सच्ची सो खाओ। हाँ। इनका बेटा नहीं है? नहीं। तभी मैं सोचूं ये उनके साथ क्यों नहीं रहती। अच्छा ये बताओ गुड्डू, स्कूल क्यों नहीं गया आज? स्कूल वो ना मेरी बुआ की पूछ पे चोट लग गई थी, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। बुआ की पूछ नहीं होती, भैंस की पूछ होती है। अंकल जी, भैंसे हमारी बुआ है समझे, वो हर साल मेरा पापा को राखी बांधती है। भैंस कैसे राखी बांध सकती है? क्यों अंकल जी, अगर मेरे डैडी रोज उनको तबेले पे बांधते हैं तो वो उनको राखी क्यों नहीं बांध सकती? हाउ रेसिज्म। अरे फालतू की बात है, इससे जितनी मर्जी करा लो। हाँ। अभी मैं स्कूल के बारे में कुछ पूछूंगा ना, पढ़ाई के बारे में, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। वाह गुड्डू, ज्यादा बात तेरी पढ़ाई पे सवाल उठा है। मैं तैयार हूँ कप्पू अंकल, क्या सवाल पूछते हो? अच्छा बोलो। बता। सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज? हाँ। ऐसा गोल सा। हाँ। वो खट्टे ऑरेंज रंग का होता है जो। हाँ। सूरज वो जो बच्चों को सुबह उठाता है। हाँ।
वो जो कपड़े भी सिखा देता है। हाँ वही सूरज। सब पता है। वो सूरज जिसके पृथ्वी आसपास चक्कर लगाती है। हाँ वही सूरज। वो सूरज जो रात को डूब जाता है। हाँ वही सूरज। हाँ तो 9:30 बज रहे ना, डूबा हुआ है। जब सुबह उगेगा तो बता दूंगा किधर से उठता है। देखा पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं, इसका ऐसी बातें करता है। मैं इतना टैलेंटेड बच्चा हूँ ना अर्चना जी, मुझे पता था मेरी दादी जा रही है, इसीलिए मैंने 70s की फिल्मों पे ना ऐसे लिखा हुआ है। तो सुना फिर। ठीक है तो मैं सुना देता हूँ। आज का हमारा शीर्षक है 70s की फिल्में। वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में हुई हैं, लेकिन 70s के दशक की फिल्में मेरी फेवरेट हैं। उन फिल्मों में माँ एक अहम भूमिका होती थी। वो बेचारी दिन रात फटे पजामे मशीन में सीती रहती थी। अभी ये जांच चल रही है कि इतने सारे पजामे कौन फाड़ता था। 70s की माँ काफी भुलक्कड़ किस्म की होती थी। वो अक्सर अपने बच्चों को मेले में भूल आया करती थी। फिर उन फिल्मों में अक्सर एक लाला होता था जो अक्सर औरतों के कंगन की कलेक्शन रखने का शौक रखता था। वो प्राय गरीब औरतों के कंगन गिरवी भी रखता था। उन फिल्मों में काफी काली खांसी, काली पहाड़ी और कालिया नामक शख्स होते थे। उन फिल्मों की माएं एंड में जाके अपने बच्चों को बताती थी कि उनके बाप का कातिल कौन है, ताकि फिल्म क्लाइमेक्स में पहुंच सके। धन्यवाद। अरे यार, ए गुड्डू, ए गुड्डू, ए ए ए, अरे यार देखो यहाँ पर बैठे हो। अरे यार हम कब से यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं इसके कि कब ये नींबू लेके आएगा और हम दूध को फाड़ेंगे, पनीर बनाएंगे, यहाँ पे मजे कर रहा है। हाँ तो दूध के बर्तन में बैठ जाता ना, वैसे दूध फट जाता। अच्छा हम बैठ जाएंगे तो दूध फट जाएगा, हम खड़े हो जाएंगे तो दूध सिल जाएगा, हम ऐसे घूम जाएंगे तो दूध रफू हो जाएगा। वाह वाह कपू शर्मा वाह। अरे दूध का इतना नॉलेज रखते हो तो कहीं भैंस क्यों नहीं लग जाते यार। माल का वैसे हम इनसे बातें करने में, इनसे बहस करने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। 70s का सिनेमा हमारे सामने लाइव है, हम नीचे आ रहे हैं। आई नीड टू मीट यू। अरे यार मजा आ गया। अरे यार, अरे बाप रे, नमस्कार नमस्कार। अरे यार मजा आ गया यार। हाँ। क्या बात है अर्चना जी। yes. इस मोहल्ले से जितना हमको निराशा था ना, आज सारा दूर हो गया। पूछे क्यों क्यों, अब मोहल्ले में आ गई है आशा जी, तो किस बात की निराशा जी। आशा जी, वहीदा जी, हेलेन जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हाँ। और कप्पू शर्मा आपको हमारा क्रोध भरा तिरस्कार। वैसे आप लोगों को यहाँ देख के बड़ा खुशी हो रहा है। अरे यार प्रोड्यूसर जी की मम्मी आई है। परिपूना मम्मी जी। परिपूना। देख रहे हैं आप कप्पू शर्मा जी, पहले पापा आए थे, फिर भाई को भेजा, अब मम्मी आई है, पूरा नजर रख रहे हैं हम पर। एक मम्मी और है। दूसरी मम्मी भी आएगी। अरे वो भी आएंगी। सही बात है। वैसे मम्मी जी अगर शो में कुछ भी गलती हुआ हो, कुछ ऊंच नीच हुआ हो, कुछ भी अगर रॉन्ग आपको लगता हो तो इस आदमी को ब्लेम कीजिएगा। हम अपना तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं। हम तो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपको क्या बताएं। हम अपने बच्चे का होमवर्क भी आजकल चेक नहीं करते, खाली जॉक्स बनाने में अपना पूरा फोकस लगाते हैं हम। ताकि क्या है कि स्पॉन्सर सारे के सारे खुश रहे। आपको सच बता रहे हैं मम्मी जी, हम और हमारी ये चोटी इस शो के लिए हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं। आशा जी, वहीदा जी, ये बातें तो चलती रहेंगी। आप लोगों के लिए हम कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या दे सकते हैं आशा जी? जी आपके लिए कटी पतंग। दिस इज ए कटी पतंग। ये वहीदा जी आपके लिए
कागज के फूल। पापा वाह, थैंक यू। और हेलन जी, आपके लिए हम लाए हैं स्क्रिप्ट। अबे ये तो खाली है। हाँ तो ये अपने साथ घर पे ले जाएंगी, सलीम जी इस पे लिखेंगे और फिर ये हमें वापस लाके देंगी। क्या लाएंगे? सलीम जी को अगर हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग लेंगे या हमें चाटा भी मार सकते हैं। ऐसे वहीदा जी, अभी कुछ दिनों पहले ना हमारे मामा जी का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके गुर्दे में से ना आपके वो सनम निकले। कौन से सनम? वो पत्थर के सनम। उनका बस जॉक्स के लिए बोल दिया, जरा माहौल बनता है, मजा आता है। वैसे आशा जी, आप देखें डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल बड़ा ऐसा क्रेज चल रहा है, लेकिन आप कमाल है, आपने तो अपने दौर में डेस्टिनेशन लव शुरू कर दिया था, लव इन टोकियो। बच्चा ये क्या बात है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे आपने लव इन टोकियो किया था, इन्होंने टोकने में पीएचडी किया। पीएचडी इन टोकियो। क्या बात है पापा, सही कहा आपने। देखा पप्पू अंकल, आप जानते नहीं मेरे पापा कौन से खेत के कद्दू हैं। खेत के कद्दू में खेत की मूली होता है। पापा मैंने आपका साइज देख के बोला है ना। किसका बजा? किसका बजा? मेरा नहीं बजा, ये मेरा फोन बजा। अच्छा। अरे चलो छोड़ो, अजीब बच्चा है यार, कभी कभी तो हमें शक होता है। इजी माइन। चोटी देख ले। फिर बाद में ऐसा चोटी को देख के कंफर्म हो जाता है कि मैं भी। वहीदा जी, आपने वो फिल्म किया तीसरी कसम, अच्छा जी आपने वो फिल्म क्या तीसरी मंजिल, तो ये मतलब डायरेक्टली तीसरी कैसा? ये दोनों फिल्मों का पहला दो पार्ट तो आया ही नहीं, हमने देखा नहीं, मतलब। पापा जी वश करो यार, आपकी बातें सुन के ना मेरे को नींद आई जा रही है। अच्छा, रात को तो सोता नहीं है तू, अभी तुझे नींद आई जा रही है? हाँ तो रात को कैसे सो, आपस में मच्छर लड़ते रहते हैं। हाँ तो दूसरों की लड़ाई के बीच में क्यों पढ़ता है तू? और अगर पढ़ना ही है तो किताबें पढ़ जो हमने लाके दिया तुझे। बस पापा बस। हाँ। इस भरी महफिल में इतने बड़े लोगों के पास आपने मेरी बेइज्जती करवा दी है। हाँ। मैं आज गुड्डू यादव बच्चा यादव की फैमिली से बायकॉट करता हूँ और खान फैमिली के साथ अपना संबंध बनाता हूँ। आप हमारे इस गठबंधन को स्वीकार कीजिए, धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है गुड्डू? बछड़ों से ज्यादा प्यार क्या है हमने तुम्हें? हाँ, तभी तो मेरे को कोई इंसान का बच्चा नहीं कहता, सारे कहते सांड का बच्चा। चल बेटा तू अंदर चल, अंदर चल। हाँ तो चले जाएंगे। हाँ तो जाओ ना। हाँ तो जा रहे हैं। हाँ तो कब जाओगे? हाँ तो चले जाएंगे। तो पैर उठा के जाओ ना। हाँ तो ये लो, चले गए। ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ। मैं सांड नहीं हूँ, ऐसे जाऊँ, हीरो हूँ, बाइक पे जाऊंगा अपनी। आप घर आओ जरा, मम्मी कुछ कैप लगाता हूँ आपकी, आपके थोड़े पर निकल आए ना भैंसे। अरे जाओ यार जाओ, और जो बोलना है मम्मी से बोलो। हम क्या हो, डरते हैं क्या हम मम्मी से यार? जरा सा ऐसे घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो आंसू निकलेंगे, मम्मी माफ कर देगी यार। That is right.